जय भीम मैच इतना जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। नांदेड़ में रिपब्लिकन हक परिषद की ओर से जलाई गई प्रतीकात्मक मनुस्मृति, जंतर मंतर पर संविधान की प्रतिया जलाने का किया गया विरोध। वाशिम के मानोरा में अपराध शाखा की ओर से चार जगहों पर मारा गया छापा, 25 लाख रुपए का गुटखा किया जब्त। और तीन डकैती करने वाले चोरों को नागपुर अपराध शाखा ने पकड़ा, 2,83,000 से भी ज्यादा का माल किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर संविधान जलाया गया था, उसके विरोध में नांदेड़ में रिपब्लिकन हक परिषद की ओर से परिषद अध्यक्ष रमेश सोनाड़े इनके नेतृत्व में नांदेड़ जिलाध्यक्ष कार्यालय के सामने प्रतीकात्मक मनुस्मृति को जलाकर प्रचंड घोषणाबाजी देकर धरना प्रदर्शन किया गया। जिन लोगों ने संविधान जलाया है उन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बर्खास्त की जाए, इस आशय का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। जंतर मंतर नई दिल्ली है, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान सारी दुनिया में एक आदर्श संविधान गिनाया जाता है, उस संविधान को फाड़कर उसकी होली करना, उसे जलाना और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपशब्दों का वापर करके उन्हें अपमानित करने का प्रयास हिंदुत्ववादी मनोवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने किया है। सारे देश से उसका निषेध किया जा रहा है। नांदेड़ में भी रिपब्लिकन हक परिषद की ओर से उसका तीव्र निषेध किया जाकर मनुस्मृति का यहाँ पर दहन किया जाएगा और मनुस्मृति के दहन करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, जो जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने 33 करोड़ देवी देवताओं की ताकतों को अपनी जगह बताई, अपनी औकात बताई थी, ऐसा संविधान जो सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अवमानना करना और 2019 के चुनाव को लक्ष्य बनाकर नरेंद्र मोदी द्वारा इस देश में दंगल मचाना, इस तरह के मंसूबे उन्होंने रचे हैं, उन मंसूबों को पानी फेरने के लिए समस्त अम्बेडकरी समाज, बौद्ध दलित बहुजन आदिवासी समाज इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी को आने वाले उनके 2019 के मिशन को ध्वस्त करने का हमारी ओर से हम प्रयास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो मनुवादी के पिल्लों ने संविधान को जला है, जो संविधान लोकशाही पर आधारित है, यहाँ पर बहुजन समाज के और पिछड़े वर्ग के लोगों को संविधान ने ऊपर उठाने का काम किया है। उस संविधान का जलाने का जिन मनुवादी लोगों ने काम किया है उनके ऊपर देशद्रोह का खटला भर करके उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए, यही हमारी एक सरकार से विनती है और इस देश के संविधान की रक्षा होनी चाहिए। इनको कड़े से कड़ी सजा होने के वजह से बाकी के जो भी कुछ संविधान विरोधी लोग हैं, मनोवृत्ति के लोग हैं, इनके ऊपर दबाव बनेगा, इसके लिए हम यहाँ पर जिलाधिकारी साहब को निवेदन देने जाने वाले हैं। वाशिम जिले के मानोरा शहर में अपराध शाखा विभाग की ओर से चार जगहों पर छापा कार्रवाई की गई और 25 लाख से भी ज्यादा कीमत का गुटखा जब्त किया गया। देश में दिन ब दिन अवैध कारोबार की घटनाएं बढ़ती ही नजर आती है। ऐसी ही एक घटना वाशिम जिले के मानोरा शहर से सामने आई है। गुना अन्वेषण विभाग की ओर से मानोरा शहर के चार जगहों पर छापामार कार्रवाई कर 25 लाख से भी ज्यादा कीमत का गुटखा जब्त किया गया। ये गुटखा मोहम्मद आरिफ मोहम्मद सुलेमान अपना गोली भंडार सहित चार दुकानों से जब्त किया गया। नागपुर के अपराध विभाग को मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई कर डकैती करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवर, टीवी, मोबाइल सहित अवजार बरामद हुए हैं, जिसकी जानकारी अपराध विभाग द्वारा दी गई।
स्वतंत्रता दिन के अवसर पर पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली, जिसके आधार पर अपराध विभाग की ओर से कार्रवाई कर तीन डकैती करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवरा, 40 इंच सैमसंग कंपनी की एलसीडी टीवी, दो मोबाइल ऐसे कुल 2,83,000 से भी ज्यादा का माल बरामद किया गया। इस पूरे घटना का मुख्य आरोपी 25 वर्षीय कपिल गौरे है, जिस पर अलग अलग पुलिस स्टेशन में कुल 12 गुने दर्ज है। जब कपिल गौरे के घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से कुछ हथियार मिले, जिसे देख आरोपी भविष्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, ऐसी आशंका अपराध विभाग के पुलिस निरीक्षक जगवेंद्र सिंह राजपूत ने जताई। देखिए, हमें अब तक 3 आरोपी हमने कस्टडी में लिए हैं, में से एक कपिल गौरे है, वो एक मतलब खरफोड़ी के गुने करने वाला एकदम सराइत आरोपी है। उसके पास से अब तक नागपुर सिटी में जो भी वहाँ जो जो जगह पे उसने गुने किए हैं, जो जो जगह पे उसने सेंधमारी की है, वो 12 गुने अब तक ओपन हुए हैं और उसमें से कई सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं, टीवी बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुए हैं। और कपिल गौरे के घर की जब सर्चिंग ले रहे थे तब उसके पास से डेडली वेपन्स मिले, 4 शार्प वेपन मिले हैं, वो भी हम लोगों ने सीज कर लिए हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है कि उसने वो वेपन्स क्यों रखे हैं और क्यों लाए थे और कहां से लाए थे। बाकी जो दो आरोपी हैं वो भी कुछ रिकॉर्ड रखते हैं, उनके ऊपर भी नागपुर सिटी में अलग अलग पुलिस स्टेशनों में अपराध दाखिल है। ये मतलब तीनों मिलके कोई तो बड़े चीज़ को अंजाम देने वाले थे ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनके पास में से जो हथियार मिले वो हथियारों की जानकारी और उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मतलब डेडली वेपन थे। उसके बाद में ये जो दो आरोपी हैं, बाद में के दो आरोपी, इनके ऊपर भी नागपुर सिटी में जो गुने दाखिल है उनके ऊपर वो बेल के ऊपर है, और जो बाकी मतलब ये जो तीनों आरोपी हैं इनके ऊपर मतलब ऐसे गुने दाखिल है कि वो जो हमारे आईपीसी धारा में एकदम सीरियसनेस है उसके ऊपर, तो अभी वो कोर्ट के बेल के ऊपर है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो बेल पे है वो सभी गुने के अंदर हम उनको फिर से लॉकअप में भेज सकें। हाँ, और भी कुछ मिल सकता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, ये वेपन्स का इन्वेस्टिगेशन चालू है, कुछ मुद्देमाल और रिकवर करना बाकी है। अब तक के हमको 12 गुने की इंफॉर्मेशन मिली थी, उनमें से हमको बहुत सा माल रिकवर हुआ है, आगे भी उनका इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन में और भी कुछ सामने आ सकता है। बैजापुर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक अनंत कुलकर्णी को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की गई। अनंत कुलकर्णी के 10 वर्षों के कामों को देखकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। राज्य के 51 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, जिसमें 40 पुलिस पदक, 8 शौर्य पदक और 3 उल्लेखनीय सेवा पदक दिया जाएगा। महामहिम भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी की ओर से मुझे 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्र दिन के उपलक्ष्य में गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए राष्ट्रपति महोदय का पुलिस मेडल देके गौरवान्वित किया गया है। मैं 15 सितंबर 1993 को पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया हूँ और तब से लेके गढ़चिरौली, चंद्रपुर, औरंगाबाद शहर, लातूर, जालना, उस्मानाबाद यहाँ मेरा कर्तव्य किया है। और अभी मैं ये साल में औरंगाबाद ग्रामीण के वैजापुर पुलिस स्टेशन में नियुक्त हुआ हूँ। मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने क्राइम ब्रांचेस, पुलिस स्टेशंस और यातायात विभाग में ड्यूटी की है। यातायात विभाग में काम करते वक्त औरंगाबाद में ट्रैफिक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए काम किया है। बहुत सारे क्रिमिनल गैंग्स को मैंने अरेस्ट करके उनको ऊपर MCOC जैसी कार्रवाई की है। महात्मा गांधी तंटा मुक्त मिशन जैसे कार्यक्रम लातूर जिले में मैंने उसमें सहभाग लिया है और लातूर जिला 100%
कंटा मुक्त होने के लिए मेरा योगदान दिया है। जालना में बहुत सारे जो क्रिमिनल गैंग्स थे उनको अरेस्ट किया है और उनके ऊपर MCUCA के तहत कार्रवाई की है, जिसकी वजह से क्राइम रेट वहाँ का बहुत डाउन हुआ था। और कुछ ऐसे इंसिडेंट से 2.72 करोड़ की रॉबरी हुई थी बदनापुर इलाके में, वो मैंने डिटेक्ट किया है। उसमें कैश भी रिकवरी की है, एक बच्चे की अगुवाई की थी कुछ क्रिमिनल गैंग ने, वो अल्पवयस्क युवक था, उसको हमने चुंगर से छुड़ाया था क्रिमिनल गैंग से। उस दरमियान फायरिंग भी हमारे यहाँ ऊपर हो गई थी, लेकिन हमने हमारे जान की बाजी लगा के उसको रिहा किया था। गढ़चिरौली में जब मैं पोस्टेड था फर्स्ट पोस्टिंग में, तो वहाँ के नक्सल गैंग्स थे, उनको मैंने उनके साथ में मेरा मुठभेड़ हुआ था, एनकाउंटर हुआ था, और बहुत भारी मात्रा में वेपन्स और आर्म एमिनेशन बरामद किए थे। मेरे 25 साल की सर्विस रिकॉर्ड देखने के बाद में मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने मेरा प्रपोजल ये मेडल के लिए भेजा था, वो अंतिमतः सैंक्शन होकर 15 अगस्त 2018 को मुझे गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए राष्ट्रपति महोदय का पुलिस मेडल प्राप्त हुआ है। मेरे यह जो उपलब्धि जिंदगी है, उसमें मैं जहाँ जहाँ काम किया हूँ वहाँ के मेरे कर्मचारीगण, मेरे सीनियर ऑफिसर्स और मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे जो मित्र हैं सब फ्रेंड्स, वहाँ की जनता और पत्रकार बंधु, उनका सबका योगदान है। उनके योगदान के बगैर यह उपलब्धि पाना मेरे लिए असंभव था, और उनकी योगदान के सबके योगदान की वजह से मैं ये प्राप्त कर सका हूँ, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सर, इसमें 30 लोगों के कुछ नाम थे, उसमें 3 जनों की मिला है? नहीं, ये महाराष्ट्र में 40 ऑफिसर्स को मिलता है, और गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए हर साल 15 अगस्त को 40 और 26 जनवरी को 40, 2-4 कम होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पुलिस दल के जो कम से कम मेंबर्स है 2-2.5 लाख, उनमें से चयन करके प्रपोजल्स जाते हैं। बहुत सारे प्रपोजल्स डीजी ऑफिस को प्राप्त होते हैं, उसमें से 40 अंतिमतः औरंगाबाद नगर पालिका में MIM के नगर सेवक को भाजपा शिवसेना नगर सेवक द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शोक श्रद्धांजलि प्रस्ताव का विरोध किए जाने पर भाजपा शिवसेना के नगर सेवकों ने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। जनरल वार्ड मीटिंग में माजी प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि का प्रस्ताव आया था। हमने एक जमहूरी अंदाज में, डेमोक्रेसी अंदाज में हमने ये कहा हमारी पार्टी की जानिब से, तब हमारा विरोध दर्ज कर लिया जाए। तो इस पर BJP के कारपेटर गुंडागर्दी पे उतर आए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा महापौर को, इससे पहले जो वाकयात हुए उन्होंने हमारी गुंडागर्दी आपको दिख के आई थी बहुत, और आज जो भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर ने राजवान खेड़े प्रमोद राठौड़ और पूरे कारपोरेटर ने जो मुझ पर हमला किया, अरे दम था तो अकेले आना था, एक अकेले में 10-10 आ रहे, फिर भी हमने पूरी मुकाबला किया और ये सभागारा का अपमान किया, और इंशाल्लाह हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, आगे क्या गाइडलाइन्स उसमें आती दिखी। त्याचा पण निषेध करायला पाहिजे आणि त्यांच्यावर ही कारवाई व्हायला पाहिजे, नाहीतर महानगरपालिकेच्या सभामध्ये हे एक ट्रेंड होणार। मग मी कमिशनरांना हे सांगितलेलं आहे की जो कोणी दोषी असेल तुम्ही CCTV फुटेज बघा, जे कॉर्पोरेटर्स होते तिथे सभागृहामध्ये महापौर आणि ॲक्शन घेतले असते, त्यांना घ्यायला पाहिजे होतं, पण असा कॉर्पोरेटर्सनी एकमेकांच्या अंगावर जाऊन त्यांना मारहाण करणं आणि इतकं बेधाम मारहाण करणं ते निषेधार्थ आहे, आणि आम्ही पोलिसांना विनंती करणार आहोत की तुम्ही त्यांच्यावर ही कारवाई करा ज्या भारतीय जनता पार्टीचे कॉर्पोरेटर्सनी ते केलेले आहे, नाहीतर हे महानगरपालिकेच्या जनरल बॉडीमध्ये एक ट्रेंड होणार की तुम्ही असा विरोध केला तर आम्ही असा मारामारी करणार आणि कोणाचं काहीही होणार नाही। ते मेसेज सगळ्यांना पोहोचण्यासाठी आम्ही पोलिसांची अपेक्षा करतो की त्यांनी कारवाई करावा। माझ्या जे ही घटना जेव्हा घडली तर माझ्या सगळ्या कॉर्पोरेटर्सशी माझी मीटिंग मी कंडक्ट केली आणि एक एक कॉर्पोरेटर्सला मी विचारलं की मतींनी जे केलं ते खरं होतं का खोटं होतं,
ते त्याचं समर्थन करतं का? तर एक ही कॉर्पोरेटर्स असा नाही होता की ज्यांनी सांगितलं की मतीने जे केलं ते एक चांगलं होतं. त्यांनी पार्टीच्या विरुद्ध जाऊन हे केलेलं आहे. आणि मी हे असं एक सांगू इच्छितो की मागच्या इन्सिडेंट्समध्ये, मागच्या जनरल बॉडी मीटिंगमध्ये सुद्धा मतीने पार्टी लाईनच्या विरुद्ध जाऊन, पार्टीच्या निर्णयाच्या विरुद्ध जाऊन, ते वंदे मातरमचा मुद्दा असू द्या किंवा दुसरा मुद्दा असू द्या, चार पाचदा त्यांनी पार्टीच्या विरुद्ध जाऊन असे कृत्य केलं होतं. आता सगळ्या कॉर्पोरेटर्सशी आम्ही बोललेलो आहो आणि सगळ्यांनी ही मागणी केलेली आहे की मतींविरोध पार्टीने काहीतरी कारवाई करायला पाहिजे, कारण पार्टीची ही प्रतिमा मलीन झालेली आहे. असा इन्सिडेंट जेव्हा होत राहतो तर आम्ही त्याची एक रिपोर्ट तयार करून बॅरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहेबांना पाठवणार आणि त्यांचा जे निर्णय असणार ते आम्हाला मान्य असणार. तेल्हारा तहसील के वरी भैरवगढ़ में भारी बहुजन महासंघ की ओर से आदिवासी समाज के भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इस दौरान अंजलिताई अम्बेडकर ने उपस्थितों को मार्गदर्शित किया. तर्फे वारी इथे आदिवासी समाजाचा मेळावा घेण्यात आला होता आणि तो मेळावा घेण्यामागे मुख्यतः स्थानिक आदिवासी समूहांचे प्रश्न सोडवणं, त्यांच्या ज्या विशेषतः पुनर्वसनाच्या मागण्या आहेत ज्या अजूनही प्रलंबित आहेत आणि 5 एकर जमिनीच्या बदल्या आश्वासनाच्या बदल्या त्यांना फक्त 1 एकर जमीन आत्तापर्यंत देण्यात आली आहे, ह्या काही त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्याचा पाठपुरावा करणं आणि तसंच एकूणच संपूर्ण भारतामध्ये आदिवासी समाजाला स्वातंत्र्याला 72 वर्ष होऊनही अजूनही हवा तो आत्मसन्मान, प्रतिष्ठा आणि विकासाच्या पूर्णपणे संधी मिळालेल्या नाहीत त्याच्या संदर्भामध्ये आदिवासींच्यासाठीची जी धोरणं आहेत ती अधिक सक्षमपणे राबवली जावीत ही भूमिका त्याच्यामध्ये होती. आदिवासींना जेव्हा वनवासी म्हणून आत्ताचं सरकार म्हणत असतं तेव्हा त्यांच्यामध्ये कुठेतरी ते ह्या जमिनीतले, या भूमीतले ते मूळचे रहिवासी आहेत आणि त्यामुळे इथल्या जलजंगल, जमीन आणि सर्व नैसर्गिक संपत्तीवरती त्यांचा पहिला हक्क आहे. ही भूमिका तुम्ही त्यांना वनवासी म्हटलं की हे त्यांचे हक्क डावलले जातात, त्यामुळे ह्या शब्दाला विरोध करताना आदिवासी समूहांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे, त्यांना प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे आणि विशेषतः राजकारणाच्या मुख्य प्रवासामध्ये ते आले पाहिजेत, प्रवाहामध्ये आले पाहिजेत ही भारिप बहुजन महा संघाची भूमिका आहे आणि त्या दृष्टीने आजच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. वर्धा शहर में कई स्थानों पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से दाभोलकर की हत्या पर जवाब दो ये आंदोलन छेड़ा गया. समाज में अंधश्रद्धा निर्मूलन कर कार्य करने वाले दाभोलकर की हत्या को 5 साल गुजर जाने के बाद भी ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने पर यह आंदोलन छेड़ा गया. अंधश्रद्धा निर्मूलन याचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचा या देशामध्ये खून केला गेला, त्या खुनाला 5 वर्ष झाले आणि त्या निमित्तानं आम्ही महाराष्ट्र शासनाला जबाब दो हे एक आंदोलन करून जबाब मागत आहोत की 5 वर्ष झाले तरी तुम्हाला मारेकरी पकडता येऊ न राहिले, मारेकरी मोकाट फिरून राहिलेले आहेत आणि हा सगळा अन्याय आम्ही लोक सहन करत आहोत आणि म्हणून तुम्हाला आम्ही या वर्धा जिल्ह्यामध्ये सगळीकडे फिरून आणि या चौकाचौकामध्ये फिरून जवाब दो अशी विनंती करत आहोत. आम्ही अत्यंत शांततेच्या मार्गाने, अहिंसेच्या मार्गाने आपल्याला प्रश्न विचारत आहोत की तुम्ही मारेकऱ्यांना का पकडत नाही. डॉक्टर कलबुर्गींच्या मारेकऱ्यांना देखील पकडलं गेलं नाही, गौरी लंकेशच्या मारेकऱ्यांना पकडलं गेलं नाही, कॉम्रेड गोविंद पानसरेंच्या मारकऱ्यांना पकडलं गेलं नाही आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलनचे गजेंद्र सुंकार आणि हे तमाम कार्यकर्ते यासाठी जीवाचं रान करत आहे आणि या महाराष्ट्र सरकारला उत्तर देणं भाग पडणार आहे. महाराष्ट्र सरकार जवाब दो. शहीद नरेंद्र दाभोळकर यांचा 20 ऑगस्ट 2013 रोजी सकाळी फिरत असताना सनातन संस्था आणि हिंदू जागृतीच्या साधकांनी खून केला. ही बाब NIA, CBI, CID यांनी तपासामध्ये निष्पन्न केली आहे. तरी 5 वर्ष झाले पण अजून हत्यारे आणि त्याच्या पाठीमागचा मास्टर माइंड पकडला गेला नाही आणि म्हणून या 5 वर्षाचा हिशोब मागण्यासाठी हे जबाब दो आंदोलन आम्ही वर्धा शहरात आजपासून सुरू केलेलं आहे, जे 1 महिना सतत चालणार आहे. अकोला के तेल्हारा के सराफा लाइन परिसर में अचानक बिजली का वोल्टेज बढ़ने से नागरिकों के लाखों के उपकरण जलकर खाक हो गए. महावितरण कंपनी के अधिकारी सचिन कोहले ने नागरिकों की शिकायत लेने से इनकार कर दिया. वहीं नागरिकों ने विधायक प्रकाश भसाकले से शिकायत की जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ी. नागरिकों ने मुआवजे की मांग की है.
तीन मधील सर्व रहिवासी असून काल सकाळी पहाटे 4 वाजता विद्युतचा उच्च दाब अचानक वाढल्यामुळे आमच्या घरातील उपकरणं जसे टीव्ही, फ्रीज, कूलर, बरेचसे लाईट, LCD हे याच्यामध्ये आग लागून पाण्याच्या मोटर वगैरे हे अत्यंत अशा प्रकारे जडल्या की काही उपकरणं एकदम खाक झालेले आहे. त्याच्या काही उपकरणामध्ये आग लागून आमच्या मुलाबाळांना इजा झालेली आहे. ते उपकरणं या विद्युत विभागांच्या निष्काळजीपणामुळे जडलेले आहे. यांच्या अनियमितपणामुळे, यांच्या निष्काळजी हा जो कारोबार आहे यांच्यामुळे झालेले आहे. त्याच्याकरता आम्ही प्रभाग क्रमांक 3 मधले सर्व माजी नगराध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता, नगरपालिका, नगरसेवक हे सर्व मिळून आम्ही इथं आलेलो आहो. आणि आमच्या मागणी की ह्या ज्या आमच्या 550-100 लोकांचे जे विद्युत उपकरणे यांच्या निष्काळजीपणामुळे जडलेले आहे त्यांची नुकसान भरपाई या विद्युत विभागाने आम्हाला लवकरात लवकर देण्यात यावी हे त्यांची जबाबदारी आहे. त्याकरता आम्ही आज इथं उपविभागीय अभियंता यांना तक्रार अर्ज दिलेला आहे. त्यांनी तक्रार दिला, ते आता आम्हाला म्हणाले की आम्ही इन्स्पेक्शन करतो. सुरुवातीला त्यांनी नाही म्हटलं की आम्ही करत नाही, आमची जबाबदारी नाही. त्यानंतर माननीय अनिल भाऊ पोहणे यांनी आमदार साहेबांना फोन लावून त्यांच्याशी संभाषण करून दिलं. त्या संभाषणावरून त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे, आम्ही तपास करतो आणि तुम्हाला तसा अहवाल सादर करतो. लोकांसाठी सुद्धा आम्ही सदैव तत्पर राहू. आज आमच्या तक्रारी असल्यामुळे आम्ही स्वतःहून इथं हजर झालो. ज्या सर्वसामान्य लोकांच्या गावाच्या काही तक्रारी असतील त्याच्याकरता आम्ही सर्व लोक सुद्धा त्यांच्या पाठीशी नेहमी राहू. परंतु सर्वसामान्य लोक जरी असले, ज्यांना या गोष्टीची जाणकारी नसते, ज्यांना या गोष्टीची माहिती नसते, त्यांनी सुद्धा ज्या लोकांना गावामध्ये माहिती असते, नगरसेवक असतील, नगराध्यक्ष असतील, सुशिक्षित वकील असतील, डॉक्टर असतील, जे लोक असतील त्यांनाशी भेटून, त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेऊन, पत्रकार असतील त्या पत्रकारांना आपली माहिती सांगून या सर्वांच्या माध्यमातून या लोकांचा निष्काळजी कारोबार जो आहे तो जनतेसमोर आणला पाहिजे. तुमचं पण एक आम्हाला विनंती राहील की पत्रकार बांधवांनी अशा पद्धतींचा यांचा निष्काळजी कारोबार, भोंगळ कारोबार हा उघडकीस आणून सर्वसामान्य जनतेपासून जो त्रास आहे तो होणार नाही याची दक्षता तुम्ही पण घ्यायला पाहिजे अशी आम्ही विनंती करतो. साहेब, 1 वर्ष झाले, भयानक फॉल्ट आहे याच्यावर. त्यांचं जुनं गाव आणि नवं गाव दोन्ही आहे. त्या मागच्या वेळेसच यांचं DP जळ्याचे म्हणजे यांचा फॉल्ट झाला होता, त्यावेळेस ओव्हरलोड झालेली आहे. आमदार साहेबांना आम्ही त्यावेळेस सांगितलं, त्यावेळेस यांनी त्या डीपी ते डीपी सोडून दुसऱ्या DP केलेलं आहे, तरी ते DP आमच्या इथे लागत नाही. स्टेपिलायझर लावूनही 180-90 वर आम्हाला त्याच्यात पॉवर मिळत नाही, त्यामुळे आमचे लाईट, TV, पंखे हे होत नाही. आणि हे अधिकारी कोणाचेही फोन उचलत नाहीत. यांना फोन आला तरच हे सगळी माहिती देतात, नाही तर हे म्हणतात आमच्याकडे हे काही नाही, तुम्ही अकोल्याला जा. सांगितलं की हे सगळं तुम्हाला अकोल्याला करावं लागेल, इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर येईल, नंतर सगळं तुमचं पाहिलं जाईल. उळवाउळीचे त्यांनी उत्तर दिले, पण आम्ही आमदार साहेबांना फोन लावला, त्यावेळेस आमदार साहेबांनी यांना सांगितलं, त्यावेळेस यांनी वरच्या साहेबांशी संपर्क साधून त्यांनी सांगितलं काय करावं म्हणून. यांना ते माहिती नाही की आपण काय करावं म्हणून. स्वतंत्रता दिन के अवसर पर रेलवे पुलिस बल के निरीक्षक राजेश बनकर के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी के साथ रेलवे विभाग के कर्मचारी और शहर के 30 नागरिकों ने रक्तदान किया. जो ब्लड डोनेशन का काम करते हैं उनको हमारी तरफ से डोनेशन सर्टिफिकेट कार्ड मिलता है. कार्ड देते हैं आपको, वो कार्ड कभी भी अपने महाराष्ट्र में कोई भी सरकारी अस्पताल में गया समझो तो उसको उसके ऊपर उसकी उनकी बर्थडे उसको फ्री मिल जाती है, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं रहता. उसके बाद हमारे यहाँ 104 नंबर का जो एक नंबर दिया हुआ है ऑन कॉल, तो वहाँ आपने 104 पे इमरजेंसी पेशेंट है या कर्जू पेशेंट है उसने समझो कॉल किया 104 पे, तो वहाँ हमारा आदमी जाके ब्लड कलेक्शन करके उनको हमारी तरफ से जितना खून लगेगा, 1 बाटली 2 बाटली वहाँ वो पहुँचा देता है और उसका भी कोई चार्ज नहीं लगता. और ये जो सेवा है, ये अपनी सेवा जो है ये 40 किलोमीटर के अंतर में हम दे देते हैं. उसके बाद जो कुछ भी ब्लड बैंक होगी, स्टोरेज सेंटर होगा, वहाँ से उनको मिल जाएगा. पिछले साल में हमने करीब 40 लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया था और इस साल भी हमारा वही लक्ष्य है और उस लक्ष्य के आगे तक हमें पहुँचने का प्रयास है. तो ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमें लोगों में जन जागृति भी लाने के लिए कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि ब्लड डोनेशन करने से ऐसा लगता है कि
कुछ हमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन ब्लड डोनेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और ये अच्छा है। इससे किसी गरीब की जान बच सकती है, किसी को ज़रूरतमंदों को इसका फ़ायदा होता है और इससे हर किसी ने ब्लड डोनेट करने की हिम्मत रखना चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से ब्लड डोनेट करते आ रहा हूँ। इसके पहले मैंने कई बार मैंने ब्लड डोनेट किया हो। यहाँ पर भी हमारे आरपीएफ को मैंने बताया कि ब्लड डोनेट करने से कोई दिक्कत नहीं होती, तो हमारा स्टाफ साथ ही साथ रेलवे के अन्य विभाग के स्टाफ एवं अधिकारी इन लोग ये भी ब्लड डोनेट करते हैं। ओएच विभाग के, एसएनटी विभाग के और भी हमारे ऑपरेटिंग विभाग के, इंजीनियरिंग विभाग के, करीब करीब सभी विभाग के लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं। कानपुर के मंधना के बीपीएमजी इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि तरुणेंद्र वाजपेयी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान वृक्षारोपण भी किया गया। कॉलेज के प्रधान अध्यापक दुबे ने दोहरी शिक्षा नीति हटाकर समान शिक्षा नीति लागू करने की बात कही। 1949 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, तब से लगातार यहाँ निरंतर प्रगति की ओर ये चल रहा है। मैंने बच्चों को समय समय पर यह अवगत कराया कि जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद यहाँ पर बहुत सी देसी रियासतें थीं, अपने ढंग से ये देश चल रहा था विदेशी शासकों के द्वारा। तो इस देश में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को लागू करने के लिए ऐसे कौन कौन से मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए जिसमें समरसता बनी रहे और समन्वय पूर्वक इस देश का विकास हो सकता हो। इसके लिए संविधान समिति का गठन हुआ और उस संविधान समिति के गठन में हमारे देश के विद्वान शिक्षक, विद्वान नेताओं ने, शिक्षकों ने, अधिवक्ताओं ने और जो स्वयं सिद्ध जन्मजात विद्वान थे उन लोगों ने उसमें सहभागिता सुनिश्चित की और इसके उपरांत एक संविधान निर्मित हुआ जिसमें समता मूलक गणतंत्रात्मक देश की स्थापना हुई, जहां पर सभी नागरिक समान भाव से पढ़ लिख सकें। जैसे किसी उपवन में अनेक वृक्ष होते हैं लेकिन एक दूसरे का बिना विरोध किए हुए सब अपना अपना विकास करते हैं। जो लताएं इत्यादि ऊपर नहीं चढ़ सकती थीं वो भी वृक्षों का आश्रय पाकर उनके चोटी तक चढ़ जाती हैं। ऐसे ही ये जन का प्रवाह अनंत है। जैसे गंगा के जिस जल में हमने डुबकी लगाई, जब मैं ऊपर निकला तो दूसरा जल था लेकिन आभास नहीं होता है। इसी तरह से ये प्रजातंत्रात्मक शासन है, एक के बाद दूसरा आता जाएगा और ये निरंतर बढ़ता चला जाएगा और समन्वयात्मक शासन प्रणाली लेकर के हम चल रहे हैं जिसमें सबका विकास हो, सबका उत्थान हो, सबको शिक्षा प्राप्त हो, सबको न्याय प्राप्त हो, किसी का विशेषाधिकार नहीं है राष्ट्रपति जी को छोड़ करके। राष्ट्रीय झंडे में रंगों का आशय क्या है? रंगों का आशय ये है, जो हमारा गैरिक वर्ण है वो हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमारे त्याग का प्रतीक है। जो हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेनानियों ने, चाहे वीर शिवाजी हों, राणा प्रताप हों या कि आधुनिक युग के क्रांतिकारी वीर हों, उन्होंने जो शौर्य प्रदर्शन किया। कितने रंग हैं? और उन तीन रंगों में से जो श्वेत वर्ण है हमारी सदाशयता का प्रतीक है और हरित वर्ण हमारी समृद्धि का प्रतीक है। इसके मध्य में स्थित अशोक चक्र जिसमें 24 शलाकाएं हैं जो कि मूल में एक ही में गुंफित हैं, जो ये सिद्ध करती हैं कि हम विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रांत, विभिन्न वर्ण, विभिन्न जाति के होते हुए भी अंत में एक धुरी से बंधे हैं और वो धुरी है हमारी भारतीयता। हम भारत के हैं, भारत हमारा है, ये प्रतीक है उसका। ये शिक्षा को बाजार की वस्तु बना दिया गया, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा हो उतनी अच्छी खरीद लो, ये कोई बात हुई? शिक्षा प्रदान करना सरकार का कार्य, इसलिए समान आचार संहिता होनी चाहिए और सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। यानी अकोला शहर में विविध सरकारी विभागों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तिरंगे को सलामी दी गई, जहां स्कूली छात्रों ने भी गजब का उत्साह देखा गया। सेक्शन ऑफ द सोसायटी ज्याला आपण म्हणतो, अशा सर्व लोक तळगाळापासून तर जे पदाधिकारी आहेत, म्हणजे कलेक्टर आहेत, SP आहेत, सगळ्या लोकांनी आणि पालकमंत्र्यासहित सगळ्यांनी इथे येऊन झेंडावंदन केलेलं आहे। आणि ह्या एक जो आमचा जो मानस आहे तो हा आहे की बा जसे आम्ही दिवाळी ईद दसरा किंवा कुठलाही सण आपण साजरा करतो त्याचप्रमाणे हा राष्ट्रीय सण जो आहे हा आम्ही उत्साहात साजरा केला पाहिजे आणि सण म्हणून साजरा केला पाहिजे।
जो स्वातंत्र्य दिनाच्या सुट्टी किंवा प्रजासत्ताक दिनाची सुट्टी जी आम्हाला मिळते ती काही आम्हाला नुसतं झेंडावंदन करून सुट्टी घालवण्यात किंवा आनंद करण्यात नाही, बाहेर जाऊन कुठं फिरण्यासाठी नाही, तर त्यांनी आपण आपापल्या स्थानिक ठिकाणी याचा उत्साह साजरा करावा, उत्सव म्हणून साजरा करावा, अशीच मी याद्वारे आवाहन करतो. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील स्वातंत्र्य उत्सव अकोल्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्याचा मानस नॅशनल इंटिग्रिटी मिशन, ऋषेबंधू ज्वेलर्स, नवयुवक नवदुर्गा दुर्गोत्सव मंडळ, वंदे मातरम संघटना या विविध संघटनांच्या वतीने करण्यात आला होता. यावर्षी आमचं हे 22वे वर्ष आहे आणि या 22 वर्षामध्ये आम्ही प्रत्येक वेळेस एक अनोखा आणि अशक्यप्राय वाटणारा कार्यक्रम केलेला आहे. त्यामध्ये कमीत कमी 3-4 वेळा याआधी देखील लिम्का रेकॉर्ड ऑफ इंडिया यांनी आमची दखल घेतलेली आहे आणि त्यांनी आम्हाला सर्टिफिकेट दिलं आहे. यावर्षी प्रथमच जवळपास 35,000 स्क्वेअर फुटामध्ये एवढी भव्य देशभक्तीची रांगोळी आणि त्याचसोबत 72वा आपला स्वातंत्र्य दिन असल्यामुळे त्याचं औचित्य साधून 72 ध्वजांचं एकाच वेळेस ध्वजारोहण करायचा विक्रम आम्ही केला आहे. या प्रकारचा विक्रम याआधी कुठेही झालेला नाही आणि त्यामुळं याची नोंद निश्चितपणे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये घेतली जाईल याची आम्हाला खात्री आहे. आज के खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही. बहुजनों की खबरों के लिए देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़.